हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, वो है पीएलसी पे, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पे, जहाँ पे मैं आपको पीएलसी के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पीएलसी क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी। इंग्लिश के वीडियोस भी अपलोड करूंगी, हिंदी के वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो ये पीएलसी का फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी या पीएलसी क्या होता है बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज पीएलसी? तो फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी पीएलसी का। पीएलसी का बेसिकली फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब ये एक ऐसा कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं एक गिवन लॉजिक के अकॉर्डिंग, यानी जो भी हमें एक लॉजिक दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इस डिवाइस को प्रोग्राम कर सकते हैं और वो एक कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इट इज बेसिकली अ कंट्रोलर दैट कैन बी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉजिक। पीएलसी बेसिकली एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसको बेसिकली मॉडिफाई किया गया है एक स्पेसिफिक कंट्रोल टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली पीएलसी का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, यानी जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जो भी हमारे प्रोसेस हैं, उनको ऑटोमेटिक करने के लिए, उनमें ऑटोमेशन करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, पीएलसी एक कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल टास्क परफॉर्म करता है, यानी हमारे जो भी इंडस्ट्री में कंट्रोल टास्क परफॉर्म होनी है उसको ऑटोमेटिक करने के लिए हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए पीएलसी का यूज करते हैं। यहाँ पे यही लिखा है, दीज कंट्रोलर्स कैन ऑटोमेट ए स्पेसिफिक प्रोसेस। पीएलसी की हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या पूरी एंटायर प्रोडक्शन लाइन को हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं पीएलसी की हेल्प से। अब अगर हम बात करें ये ऑटोमेशन कैसे होगा, तो पीएलसी बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर यानी एक सीपीयू लगा हुआ है जिसके थ्रू हम ये कंट्रोल प्रोसेस ऑटोमेटिक करते हैं। पीएलसी को डेवलप करने से पहले, यानी ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है उसके डेवलप होने से पहले, ये सारे मशीन कंट्रोल या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के काम किए जाते थे हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम का यूज करके। ये जो हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम है उसमें हमें बहुत सारे वायरिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत सारे रिले की जरूरत होती थी, सारे प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक नहीं था, हमें मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती थी, जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, और वहां पे अगर एक भी लॉजिक में या एक भी चीज में हमें चेंज करना होता था तो हमें बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती थी। तो सारी चीजों को सेव करने के लिए, यानी टाइम को सेव करने के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए और मैन पावर को सेव करने के लिए एक डिवाइस बनाया जिसे हम कहते हैं पीएलसी। तो यहाँ पे यही लिखा है, दे आर डिजाइन, इट मीन्स पीएलसी को डिजाइन किया है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो भी कंट्रोल टास्क हैं उनको ऑटोमेटिक करने के लिए, यानी पूरी इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। पीएलसी को बेसिकली इन्वेंट किया था डिक मोरेल्ले ने 1964 में, और पीएलसी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है एलन ब्रेडले कंपनी का। और जैसे ही पीएलसी मार्केट में आया, इंडस्ट्री में और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, यानी उनकी स्पीड अप हो गई, उनका टाइम कम बचने लगा और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आई, क्योंकि सारी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो चुकी थी। तो बेसिकली पीएलसी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए, काउंटिंग, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग करने के लिए, या किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं।
अब यहाँ पे अपन देखते हैं द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी सिस्टम। यहाँ पे ये पीएलसी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया है और ये एक एक्चुअल पीएलसी का डायग्राम है। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज पीएलसी मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे आपकी हो गई हनीवेल, योकोगावा, सीमेंस, रॉकवेल ऑटोमेशन, ये सारी कंपनीज जो है वो अलग अलग टाइप के पीएलसी बनाती हैं। स्मॉल साइज के पीएलसी, मीडियम साइज के पीएलसी और लार्ज टाइप के, तीन टाइप के पीएलसी होते हैं मार्केट में। वो डिपेंड करता है कि किसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट है। अगर कम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है तो स्मॉल पीएलसी होगा, अगर ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है तो लार्ज पीएलसी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट 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 शेप के और डिफरेंट साइज के पीएलसी मार्केट में अवेलेबल है जो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये ब्लॉक डायग्राम पीएलसी का। यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको ब्लॉक डायग्राम का दूंगी और अपने कमिंग वीडियोस में इसको डिटेल डिस्क्राइब करूंगी। तो पीएलसी बेसिकली एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम होता है। इसमें बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट होते हैं। इनपुट यहाँ पे हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, किसी फिजिकल फॉर्म में इनपुट आप अप्लाई कर सकते हो, एनालॉग फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में। अब ये फिजिकल फॉर्म में हम इनपुट कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम टेम्परेचर के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम एनालॉग फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हम इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, या डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए हम यहाँ पे इनपुट सेंसिंग डिवाइस का यूज करते हैं। यानी अगर हमने ह्यूमिडिटी के फॉर्म में इनपुट दिया है तो यहाँ ह्यूमिडिटी सेंसर लगाना पड़ेगा। अगर हमने टेम्परेचर के फॉर्म में इनपुट दिया है तो टेम्परेचर सेंसर लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के सेंसिंग डिवाइस की हेल्प से हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये इनपुट हमारे जाते हैं सीपीयू में। ये हमारा हार्ट है पीएलसी का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जो भी इनपुट हम अप्लाई करते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है सीपीयू में अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हम यहाँ से फीड करते हैं सीपीयू में, यानी पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग डिवाइस का यूज करते हैं जो अलग से हम लगाते हैं पीएलसी में। ये प्रोग्रामिंग डिवाइस कौन से हो सकते हैं, आपका लैपटॉप हो सकता है या आपका डेस्कटॉप हो सकता है। इनके थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्रामिंग डिवाइस को हम इथरनेट केबल की हेल्प से सीपीयू से कनेक्ट कर देते हैं, यानी पीएलसी सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी इनपुट आया उसको सीपीयू प्रोसेस करता है इन प्रोग्राम की हेल्प से और ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो आउटपुट में बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, लैंप, मैग्नेटिक रिले, ये सारी चीजें हम आउटपुट में, आउटपुट साइड में कनेक्ट करते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलता है। यानी एक बल्ब कनेक्ट कर दिया या कोई लैंप कनेक्ट कर दिया या कोई मोटर कनेक्ट कर दी तो हमारा पीएलसी इन्हें ऑपरेट करता है। इन सबको ऑपरेशन करने के लिए जो पावर गिवन होती है वो इस पावर सप्लाई के थ्रू दी जाती है। तो ये हमारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था पीएलसी ब्लॉक डायग्राम का। अब देखिए ये हमारा एक एक्चुअल पीएलसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो एक्चुअल पीएलसी होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज के बनाती हैं। कौन से साइज का पीएलसी होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितने कंट्रोलिंग टास्क परफॉर्म करेगा और उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट कनेक्ट हो सकते हैं उस पे। और जो पीएलसी है वो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर, कन्वेंशनल कंप्यूटर जैसा नहीं होता। इसमें सीपीयू जरूर है, यानी इसमें माइक्रो कंट्रोलर जरूर है, सीपीयू है, मेमोरी है, पावर सप्लाई है, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर जैसा नहीं है क्योंकि इसमें कोई कीबोर्ड नहीं है, कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं है, कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है। इसीलिए ये केवल एक कंट्रोल टास्क परफॉर्म के लिए, करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए ये हमारा एक एक्चुअल पीएलसी है जहाँ पे ये वाली जो यूनिट है वो हमारी पावर सप्लाई की यूनिट है। ये सभी को पावर सप्लाई करती है ऑपरेट करने के लिए।
ये है सीपीयू सेक्शन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे इनपुट आउटपुट सेक्शन है जहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करते हैं। तो ये इनपुट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, एनालॉग फॉर्म में दे सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये आपका डिजिटल इनपुट है, यहाँ से हमें डिजिटल आउटपुट मिलेगा। ये एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये कहलाता है रैक। ये जो स्पेस है वो रैक कहलाता है। इसमें हम एडिशनल इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं इन कार्ड्स की हेल्प से। ये कार्ड कहलाते हैं। इन कार्ड को और एक्सटेंड करने के लिए, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को, इस रैक में हम और भी इनपुट और आउटपुट के कार्ड्स को अटैच कर सकते हैं। अब इस पीएलसी से हम जो भी प्रोग्रामेबल डिवाइस है, यानी जो हमारा सीपीयू है जहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे उसको, या फिर जो हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसको इथरनेट केबल की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक कंपैरिजन है, ये हमारा एक पीएलसी सिस्टम है। अब ये कैसे वर्क करता है, इनके सारे कॉम्पोनेंट्स के क्या क्या फंक्शनिंग है, वो मैं आगे आपको कमिंग वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली जो पीएलसी है उसको वर्क हॉर्स माना जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। ये भी कहते हैं द वर्क हॉर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इंडस्ट्रीज को ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्शन लाइन को ऑटोमेशन कर सकते हैं, किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। मतलब हम कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए पीएलसी का यूज करते हैं। और जो पीएलसी है वो हमारा एक कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर नहीं है लेकिन ये एक कंप्यूटर की तरह है जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है बहुत ही हार्श कंडीशन में, हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो इंडस्ट्रीज का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा क्लीन नहीं होता, थोड़ा हार्श एनवायरनमेंट होता है, तो उनमें ऑपरेट करने के लिए पीएलसी बनाए जाते हैं। यानी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में ऑपरेट करने के लिए, वेट टेम्परेचर में यानी गीले एनवायरनमेंट में, ड्राई कंडीशन में या डस्टी कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए पीएलसी बनाए गए हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, शायद मैंने आपको आगे बताया भी है, जैसे हो गई हनीवेल, सीमेंस, रॉकवेल ऑटोमेशन, एबीबी, योकोगावा, ये सारी कंपनीज डिफरेंट टाइप के पीएलसी बनाती हैं और मार्केट में लॉन्च किए हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पीएलसी ने बेसिकली रिप्लेस किया है हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम को, यानी आरएलसी सर्किट को। तो ये आरएलसी सर्किट क्या होते हैं, कैसे हमारे पीएलसी ने आरएलसी को रिप्लेस किया, क्यों रिप्लेस किया, वो सारी चीजें मैं आपको अपने कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। तो स्टे कंटिन्यू, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ।